बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारी स्पीसी में बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी देश की अब तक के इतिहास से सबसे तेजी से बढ़ती हुई युवा पार्टी है। दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है, पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को देशवासी प्यार करते हैं, एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं और वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सोच और आम आदमी पार्टी भारत के विभिन्न प्रदेशों तक पहुंचे। गुजरात और हिमाचल में चुनाव ऐलान हो चुके हैं और भाजपा की हर कोशिश है, पिछले कई महीनों से ये कोशिश है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स को कैंपेनिंग करने पर से रोका जा सके। हमारे हिमाचल के पूर्व प्रभारी माननीय दिल्ली के मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी, वो शख्स जिन्होंने दुनिया को, जिनके कंसेप्ट को अमेरिका ने भी स्टडी किया, वो शख्स जिसने दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट दिया, वो शख्स जिसको हिमाचल की जनता प्यार करने लगी थी, उसको डरकर श्री सत्येंद्र जैन जी को झूठे केस में जेल में बंद रखा हुआ। उनमें से दो केसों में उनके खिलाफ सबूत नहीं आए, हर तारीख पर भाग जाते हैं। और अब क्योंकि दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री, भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको भी हिमाचल की जनता बहुत प्यार करने लगी थी, वो हर दो हफ्ते में हफ्ते बाद हिमाचल और गुजरात प्रचार के लिए आ रहे थे, उससे बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा सबसे पहले मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड मारी। 10 घंटे वो रेड चली, सुबह से लेकर रात हो गई और मिला कुछ भी नहीं। उनके बैंक लॉकर्स खंगाले गए, वहां से भी कुछ नहीं मिला। उनके पैतृक गांव जाकर जांच की गई, वहां भी कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद बार बार जो कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाला, जो हकीकत में है ही नहीं, आज तक इस देश में यह पहला घोटाला बनाया गया है जिसमें स्टेट के रेवेन्यू बढ़ रहा था, पहला घोटाला। आज तक जितने घोटाले हुए हैं उसमें स्टेट का लॉस होता है, यह पहला भारतीय जनता पार्टी की यह इन्वेंशन है, एक कथित घोटाला जिसमें स्टेट का रेवेन्यू बढ़ रहा था। सिमिलर एक्साइज पॉलिसी पंजाब में है, पंजाब में रेवेन्यू में 36% का इंक्रीज आया, जिस पॉलिसी से स्टेट का रेवेन्यू बढ़ता हो, एक आम आदमी की नजर से उसमें कभी भी कोई घोटाला नहीं हो सकता। पर मंसूबा क्या है कि मनीष सिसोदिया जी को रोकना है, क्यों? ताकि वो हिमाचल ना आ सकें, ताकि वो गुजरात ना जा सकें, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है और ये एक दूसरे के साथी हैं। आज तक हिमाचल में हर 5 साल बाद परिवर्तन होता है, हर 5 साल पर जिसकी सरकार रही होती है उसके ऊपर भ्रष्टाचार का दोष लगाया जाता है, पर कभी भी हिमाचल में कोई कार्रवाई नहीं हुई विजिलेंस की, कभी भी। आज भी भाजपा के कई ऐसे मंत्री हैं जिनके भ्रष्टाचार का शोर पूरे देश और विश्व में है, भर्ती घोटाले, सिंचाई घोटाले, बहुत सारे। घबराई हुई है भाजपा, भाजपा में अंतर कलह चल रहा है कि अपने दागी, अपने भ्रष्ट मंत्रियों को टिकट देनी है कि नहीं देनी, वरना जो पार्टी 50 सीटों का दावा करती है उसकी आज तक लिस्ट नहीं आ सकी और अभी भी नहीं आएगी। यही हाल कांग्रेस का है, कांग्रेस देश का डूबता हुआ राजनीतिक जहाज है, जिनके नेता, जिसको कांग्रेस अपना चेहरा बताती है, वो जब पार्टी को जरूरत है गुजरात और हिमाचल में, जब देश में ऑपोजिशन की जरूरत है
कि कोई भाजपा की जो जिस तरीके की राजनीति भाजपा कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठा सके, तो उनके वो चेहरे, उनके युवराज कई और ही सूबों में घूम रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है और सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं जो भाजपा की आंख में आंख डालकर, जिन्होंने गुजरात और अब हिमाचल में भी, और इनको बौखलाकर रख दिया। बहुत से अच्छे लोग, जब से मैं हिमाचल में आया हूं, बहुत से अच्छे लोग इन पार्टियों में भी मुझे आकर मिले। कुछ लोग कहते हैं कि अब समय बहुत कम रह गया, हम ज्वाइन तो नहीं करेंगे, पर हम अपनी ही पार्टियों को सबक सिखाना चाहते हैं। बहुत से सीनियर लोग, सीनियर पोजीशंस पर वो आकर मिले, फोन पर बात हुई, कहते बहुत अच्छा, हम इनको अपनी ही पार्टी को सबक सिखाएंगे, क्योंकि उन पार्टियों में भ्रष्टाचारी के लिए ही जगह है, ईमानदार लोगों के लिए जगह नहीं। ईमानदार लोगों की टिकट काट दी जाती है, युवाओं की टिकट काट दी जाती है। आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से, जैसे मैंने बताया, इस चुनाव को लड़ेगी। हमारी पहली लिस्ट मोस्ट प्रोबेबली आज आ जाएगी या कल आ जाएगी। आम आदमी पार्टी युवाओं को, महिलाओं को, पूर्व सैनिकों को, पढ़े लिखे लोगों को तरजीह देगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल की जनता के लिए, हिमाचल को भी शानदार स्कूल चाहिए। मैं अखबार पढ़ रहा था कल की, ऐसे स्कूल है हिमाचल में जहां 11 बजे तक अध्यापक नहीं आते, 11 बजे तक अध्यापक नहीं आते, अस्पताल में लंबी लाइनें लगती हैं सिर्फ पर्चियों के लिए, इलाज तो दूर की बात है। ये हालात है हिमाचल के, तो हिमाचल वासियों को भी चाहिए। और बहुत सारे कर्मचारियों से मेरी बात हुई है, पंजाब में नेशनल पेंशन स्कीम को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि ये भगवंत मान की सरकार है, ये आम आदमी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, हम सिर्फ फर्जीवाड़ा नहीं करना चाहते जैसे कांग्रेस करती है। हमने 15 साल में जो टीचर कच्चे थे उनको पक्का कर दिया, और ऐसी पॉलिसी लेकर आए जो किसी कोर्ट में चैलेंज ना हो सके। तो पंजाब में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए दिन रात मेहनत हो रही है, और ऐसी स्कीम लेकर आएंगे जो सच में कर्मचारियों को फायदा दे सके। और हिमाचल के बहुत सारे कर्मचारी, उनसे मेरी बात हुई, हमारे अध्यक्ष जी से बात हुई, वो इस बात से काफी खुश हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 12 नवंबर को हिमाचल की जनता इस बार जो 5 साल की बारी का खेल चल रहा है, 5 साल इनके 5 साल इनके, वो तोड़ेगी और एक नया राजनीतिक इतिहास रचेगी। बहुत धन्यवाद। कौन से वो नेता है जब भाजपा या कांग्रेस वाली जो आपसे बात हुई है, लास्ट ईयर? एक दो दिन में आपको करते हैं, रोज धमाके करेंगे, बहुत सारे ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हैं। बहुत सारे कह रहे हैं कि जो शिक्षक है वो 11 बजे तक स्कूल में आते हैं, आपका कहने का मतलब है कि शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं? मैंने किसी अखबार की खबर पढ़ी है, मैं आपके साथ साझा कर, हिमाचल की कोई अखबार थी। सर आपने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बोला जी, नहीं लाएंगे, क्या मैं जानना चाह रहा हूँ, नहीं पुरानी नहीं लागू करेंगे आप? वही जी, पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, मेरे कहने का मतलब नहीं लाएंगे। नहीं नहीं जी, नेशनल पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करेंगे। पंजाब में क्यों नहीं लागू कर पाए? उसी पर काम कर रहे हैं ना जी, अभी तो वहां उसी पर काम कर रहे हैं जी, सिर्फ फर्जीवाड़ा नहीं करना। तो ऐसी स्कीम करनी है जो सच में लागू हो सके और जो सच में कर्मचारियों को लाभ दे सके। सीएम का चेहरा भी आप उनके आपका लिया है आपने, क्योंकि अब तो नामांकन स्टार्ट हो चुके हैं, कि आपका सीएम का चेहरा कौन होगा, कौन ऐसे जो बड़े नेता आपके अपनी पार्टी है कि दूसरी पार्टी से है? नहीं नहीं, हिमाचल की जनता इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार लाएगी, और हिमाचल का जो हमारी पार्टी का जो मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो बेदाग, हिमाचल की आन बान शान, जो सच में हिमाचल के साथ इंसाफ कर सके होगा। वक्त आने पर बोल, थैंक यू। आपने कांग्रेस की शुरुआत में कहा कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग आपकी पार्टी है, टिकटे तो आप भी जारी नहीं कर पाए हैं, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, या फिर इतने? सबसे पहले हमने 4 जारी किए भाई साहब, सबसे 4 कैंडिडेट हमारी जारी हो चुके हैं, आज भी लिस्ट आई, उसके बाद भी किश्तों में आ रहे हैं, यही नहीं अगले एक दो दिन में मैं आपको नहीं रहे हैं, या फिर इतने ज्यादा हो गए कि छंटनी करनी पड़ रही? नहीं नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जी, संगठन बहुत बड़ा है, बहुत। यस मैम, मुझे ऐसा लगता है कि सुनिए, सवाल सुनिए, भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी बात करती है, हिमाचल प्रदेश में आपने ऐसे नेता आइडेंटिफाई किए? बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं
मैं अगले आने वाले दिनों में, क्योंकि मैं हरजोत मैं जब भी कोई बात करता तो मैं बिना कागजों से बात नहीं करना चाहता, तो मैं आपके सामने कागज लेकर आऊंगा। और दूसरा, आपने जो बात किया, जो मुझे लगता है हिमाचल में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। हिमाचल का युवा आज देखता है कि कोई भी सरकारी नौकरी के लिए, हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश रहा है जो अपनी सरकारी नौकरियों के लिए जाना जाता है, पर पिछले कई सालों से इस प्रदेश में कोई भी बड़ी सरकारी नौकरी भर्ती नहीं निकली है, तो उससे युवाओं में बहुत निराशा है। हिमाचल प्रदेश में थर्ड फ्रंट को खड़ा करना हिमाचल के लोग कह रहे हैं इम्पॉसिबल है। आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है, जिस तरह हिमाचल के लोगों ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह, मुझे ये लगता है जी, ये बात पंजाब में भी लागू होती थी और भी बहुत जगह, गुजरात में भी ये बात कही जाती है। जब आप सच्चे मन से लोगों के पास जाते हो अपना एजेंडा लेकर, डेमोक्रेसी में जनता मालिक है, हमें आपको अपना एजेंडा लेकर जाना है। हमारे जब कैंडिडेट्स आएंगे, जब वो लोगों में जाएंगे, और बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स, यानी कई जगह ऐसे हैं जिसमें ऐसी सीटें हमारे पास जिसमें चार चार बहुत शानदार कैंडिडेट हैं, तो मुझे लगता है जब वो मैदान में उतरेंगे तो जनता जरूर उनका साथ देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार हिमाचल के दौरे कर रहे थे चुनाव घोषित होने से पहले, अभी भी आएंगे, चुनाव भी घोषित हो चुके, एक बार नामांकन का सिलसिला पूरा हो जाए तो हमारी केंद्रीय लीडरशिप, हमारी पंजाब की लीडरशिप और हरियाणा की लीडरशिप सब लोग मिलकर लगे। आपकी पूरी लिस्ट कब तक, आज कितने लोगों की लिस्ट जारी, कब तक जारी होगी सर? कल तक सारे कैंडिडेट्स अनाउंस हो जाए। आप वेट कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की सूची का? नहीं जी नहीं, थैंक यू।